नमस्कार, आप सभी के लिए एक और नोटिफिकेशन पेश है जो है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात 16 अहमदाबाद। एडवर्टीजमेंट नंबर आप नोट कर सकते हैं और इसके सबसे पहले जान लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है वो है 14 जुलाई और ये अप्लाई होंगे आपके 10 अगस्त तक। तो यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल इन्होंने बताई हुई है। आपका एलिमिनेशन टेस्ट होगा जो कि केवल क्वालिफाइंग टेस्ट है, वो होगा आपका 11 सितंबर को, और ट्रांसलेशन टेस्ट होगा वो होगा 23 अक्टूबर को। इसके बाद होगा आपका वाइवा वोची टेस्ट जो नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। तो जो लोग इच्छुक हैं और एलिजिबल हैं इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसमें गुजराती लैंग्वेज भी आएगी, तो कोई अदर स्टेट से कोई यहाँ पे अप्लाई अगर करना चाहता है तो उसको गुजराती लैंग्वेज नहीं आती है, तो उसके कोई काम का जहाँ तक है ये फॉर्म होगा नहीं। तो यहाँ पे 5 पोस्ट हैं जो ट्रांसलेटर के लिए हैं, जहाँ पे 3 वैकेंसी जनरल की हैं, एक एसटी की है और एक एससीबीसी की है, और अगर बात की जाए वुमेन के लिए तो एक जो है वैकेंसी वो रिजर्वड है और वो जनरल कैटेगरी से होगी। बाकी कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, लेकिन इन्होंने साफ कहा है कि एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे उनकी फ़ीस तो होगी एससी और ईडब्ल्यूएस के हिसाब से, लेकिन जो उनकी कैटेगरी होगी वो जनरल में काउंट होंगे। आगे चलते हैं। तो इन्होंने बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एसेंशियली इनकी क्वालिफिकेशन है और वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 10 अगस्त तक, यानी 10 अगस्त 2021। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और नंबर 2 पर है आपके पास कंप्यूटर बेसिक नॉलेज का डिप्लोमा होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इसे यहाँ पे आपका स्टेट गवर्नमेंट से हो। और आगे नंबर 3 पर है एज लिमिट जो आपके 18 से 35 साल तक है, और एज लिमिट आपकी वही 10 अगस्त तक कंप्लीट होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दिया है और आगे फिर रिजर्वेशन है, जो रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। फीस आपको बता देते हैं, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी SEBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, डिफरेंटली एबल पर्सन PH एंड एक्स सर्विसमैन शैल बी रिक्वायर टू पे फीस ऑफ 350 यानी 350 रुपीज़ प्लस द यूजुअल बैंक चार्जेस, एंड ऑल अदर कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर टू पे फीस ऑफ RS यानी ₹700। तो 700 अन्य के लिए है यानी UR के लिए, बाकी लोगों के लिए 350 है। तो 50% जो इन्होंने छूट दी है वो कैटेगरीज के लिए है। आगे आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वही जैसे कि हमने बताया, एलिमिनेशन टेस्ट 100 नंबर का होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन टेस्ट ये भी 100 अंक का, और वाइवा वोची आपका 50 अंक का होगा। किस तरह ये, और सबसे ज़रूरी बात जो एलिमिनेशन टेस्ट है यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि 0.25 की मार्किंग जो होती है उसमें ज़्यादातर बच्चे करते हैं कि तुक्का मारने की उनकी कोशिश रहती है, लेकिन यहाँ पे तुक्के वाली बात नहीं चलेगी। और आगे जो होगा आपका एलिमिनेशन टेस्ट, इसमें आएगी आपकी GK, इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड गुजराती लैंग्वेज। और आगे फिर ये है OMR सीट पे आपका होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs आएंगे। फिर है ST और SCBC जो कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम 45 मार्क्स चाहिए। अगर वो इतने मार्क्स 100 में से लेते हैं तो उनका जो है सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना तो नहीं है, लेकिन एलिमिनेशन टेस्ट में वो क्वालिफाई कर जाएंगे, एलिमिनेट नहीं होंगे। और बाकी बात है 50% लेने होंगे यहाँ पे जनरल कैंडिडेट को। आगे चलते हैं। तो आगे है ट्रांसलेशन टेस्ट जो है आपका 100 अंक का, जो 23 अक्टूबर 2021 को टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है, तो ये भी आपका 100 अंक का होगा और इसकी ड्यूरेशन इन्होंने बढ़ा दी है क्योंकि उसकी है 2 घंटे, इसकी होगी 2.5 घंटे की। तो ये भी अहमदाबाद होगा, लेकिन बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि और कहीं भी आपका सेंटर आ सकता है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, आप इनको बाद में पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार चेक जरूर कर ले, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा।